Dear students, welcome in the lecture series on chemical bonding. And under this series, we are just discussing about the sub-series, that is stereochemistry and bonding in main group compounds. तो बच्चों आपका स्वागत है इस केमिकल बॉन्डिंग की लेक्चर सीरीज में जहां पर हम स्टीरियोकेमिस्ट्री एंड बॉन्डिंग इन मेन ग्रुप कंपाउंड्स की सब सीरीज को पढ़ रहे हैं। इससे पहले आपने देखा लेक्चर्स में हमने पढ़ा हाइब्रिडाइजेशन के बारे में, फिर हमने पढ़ा वेस्पर थ्योरी के बारे में, देन वी हैड डिस्कस्ड अबाउट डी पाई पी पाई बॉन्डिंग। ओके, देन बिफोर गोइंग टू द बेंट रूल वी हैड टू डिस्कस अबाउट द आइसोवेलेंट हाइब्रिडाइजेशन। ओके, सो इट इज एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, जो आइसोवेलेंट हाइब्रिडाइजेशन है, क्योंकि बेंट रूल को पढ़ने से पहले हमें इसे जानना होगा, जिसे हम सेकेंड ऑर्डर हाइब्रिडाइजेशन भी कहते हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बट नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द आइसोवेलेंट हाइब्रिडाइजेशन। ये जो आइसोवेलेंट हाइब्रिडाइजेशन है, इसको हम सेकेंड ऑर्डर हाइब्रिडाइजेशन भी कहते हैं। ओके, तो यहां पर अब आप पुराने हाइब्रिडाइजेशन को सोचिए। सो इन द हाइब्रिडाइजेशन वी हैड स्टडीड द रिलेशनशिप अमंग हाइब्रिडाइजेशन ज्योमेट्री एंड बॉन्ड एंगल्स इन अ कोवेलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल। तो एक्चुअली हमने क्या पढ़ा था बच्चों, जो हमने हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा था वहां पर हमने हाइब्रिडाइजेशन के बीच में यानी उसकी ज्योमेट्री के बीच में और बॉन्ड एंगल के बीच में हमने रिलेशनशिप पढ़ी थी, क्योंकि हमें पता है कि अगर हाइब्रिडाइजेशन सेंट्रल एटम में sp होगा, ये जो हाइब्रिडाइजेशन हमने पढ़ा था, एक्चुअली दिस इज ट्रू फॉर सिमेट्रिक मॉलिक्यूल। तो ये सिमेट्रिक मॉलिक्यूल के लिए ट्रू था कि सिमेट्रिक मॉलिक्यूल जहां पर सारे सब्स्टिट्यूएंट एक से होंगे, कैसे होंगे, फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं CH4 की, तो CH4 में क्या है, देखिए चारों सब्स्टिट्यूएंट एक से हैं, चार इलेक्ट्रॉन पेयर इसके पास है कार्बन के पास और इसके सब्स्टिट्यूएंट चारों एक से हैं। सो इट इज अ सिमेट्रिक काइंड ऑफ मॉलिक्यूल विद रेस्पेक्ट टू द सब्स्टिट्यूएंट। तो सब्स्टिट्यूएंट के रेस्पेक्ट में ये कैसा है, सिमेट्रिक है। तो अगर इस तरीके का मॉलिक्यूल होगा तो हम ये कहेंगे कि जो उसके जो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हैं उनमें S और P करेक्टर की परसेंटेज को निकालना बहुत आसान होता है और बॉन्ड एंगल और बॉन्ड लेंथ को बताना आसान होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं BeCl2 की, ठीक है, BeCl2 जिसमें कि बेरिलियम पर क्या हाइब्रिडाइजेशन होता है, sp हाइब्रिडाइजेशन। तो बेरिलियम के साथ दो Cl जुड़े हैं, दोनों एक से हैं, एक से सब्स्टिट्यूएंट हैं, तो क्या होगा कि यानी S करेक्टर 50% होगा और P करेक्टर भी 50% होगा और जो बॉन्ड एंगल होगा वो कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो हम आसानी से बता सकते हैं कि हाँ भाई यहाँ पर बेरिलियम के ऊपर sp हाइब्रिडाइजेशन है। लाइकवाइज अगर मैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन की बात करूं और एग्जांपल लो BeCl3, तो यहां पर बोरॉन के साथ तीन सेम सब्स्टिट्यूएंट एडेड हैं, तो मैं ये कह सकती हूं कि यहां पर S का करेक्टर कितना होगा, 33% होगा, बॉन्ड एंगल कितना होगा, 120 डिग्री होगा। और अगर मैं बात करूं CH4 की या CCl4 किसी भी मॉलिक्यूल की बात करूं जहां पर चारों सब्स्टिट्यूएंट एक से हैं, तो क्या होगा कि S का करेक्टर कितना होगा, 25% हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp3 और जो बॉन्ड एंगल होगा वो क्या होगा, 109। तो ये मैं किसकी बात कर रही हूं बच्चों, ये मैं बात कर रही हूं सिमेट्रिक मॉलिक्यूल्स की, सिमेट्रिक इन द सेंस सेम सब्स्टिट्यूएंट्स विद द सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम के साथ जो सब्स्टिट्यूएंट्स हैं वो सेम है, तो हाइब्रिडाइजेशन को एस करेक्टर या पी करेक्टर के परसेंटेज से एंड उसकी ज्योमेट्री से एंड उसके जो बॉन्ड एंगल है उससे हम कोरिलेट कर सकते हैं। ओके, सो नाउ व्हाट अबाउट द एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल और इन द सेंस इन द टर्म्स ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स, इफ द डिफरेंट टाइप ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स आर प्रेजेंट देन इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू रेशनलाइज द एस एंड पी करेक्टर इन the hybridized orbitals of the central atom and it is very difficult to ascertain the bond angle. Okay, so हम देख के नहीं बता सकते हैं कि बॉन्ड एंगल कितना होगा। सो ये जो मैंने बात करी अभी तक, हमने जो हाइब्रिडाइजेशन की बात करी थी कि ये वही sp3 hybridized orbital है तो इसमें s करेक्टर 25% होगा, वो केवल किसका केस है बच्चों, सिमेट्रिक मॉलिक्यूल का केस है। इस टेबल को अगर आप देखेंगे तो यहां पर कुछ रिलेशनशिप्स मैंने दिखाई है। ओके, तो अगर मैं हाइब्रिडाइजेशन कहूं कि sp a है,
ठीक है। एसपीए में ए क्या है, हाइब्रिडाइजेशन इंडेक्स, ए को हमने क्या कह दिया, हाइब्रिडाइजेशन इंडेक्स। ओके, तो अगर ए हाइब्रिडाइजेशन इंडेक्स है जिसकी वैल्यू पी अपॉन एस भी होती है, यानी फ्रैक्शन ऑफ पी करेक्टर अपॉन फ्रैक्शन ऑफ एस करेक्टर, तो ये क्या है, ए है। ओके, अब अगर मुझे ए पता होगा तो मैं क्या निकाल सकता हूं, फ्रैक्शन ऑफ एस करेक्टर। फ्रैक्शन ऑफ एस करेक्टर कितना होता है, वन अपॉन वन प्लस ए। ओके, फ्रैक्शन ऑफ पी करेक्टर कितना होता है, ए अपॉन वन प्लस ए। इन इसकी हेल्प से मैं इजीली, अगर मुझे थीटा पता होगा तो मैं ए कैलकुलेट कर सकती हूं, तो वाइस वर्सा भी आप देखेंगे। अब देखिए, जो एंगल बिटवीन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, अभी मैं आपको एग्जाम्पल के साथ बताऊंगी बच्चों, एग्जाम्पल मैं आपको दूंगी, तो आप ये देखेंगे जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स के बीच में जो एंगल है उसे हम कॉस थीटा कह रहे हैं। ओके, हाइब्रिडाइजेशन इंडेक्स मैंने आपसे कही ए की वैल्यू जो है पी अपॉन एस भी होती है, और अगर मैं रिलेशनशिप बिटवीन हाइब्रिडाइजेशन इंडेक्स एंड बॉन्ड एंगल देखूं तो वो क्या है, कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन ए होता है। तो लेट्स सी द एग्जाम्पल ऑफ एसपी वन हाइब्रिडाइजेशन। एसपी वन हाइब्रिडाइजेशन जहां पर अगर मैं कहूं कि ये जो मॉलिक्यूल है, मैं सिंपल मॉलिक्यूल की बात कर रही हूं जो सिमेट्रिक है, जैसे BeCl2। ओके, तो BeCl2 के केस में क्या होगा कि ये देखिए, S का करेक्टर कितना होगा, 1 अपॉन 1 प्लस 1। देखिए इसका जो A है वो 1 है, तो देखिए 1 अपॉन 2 इज द फ्रैक्शन ऑफ S करेक्टर, मतलब SP में आधा S करेक्टर होगा और आधा करेक्टर क्या होगा, P, जिसे मैं A अपॉन A प्लस 1 से कैलकुलेट कर सकती हूं। सो हाफ इज द करेक्टर ऑफ, हाफ किसका करेक्टर है बच्चों, हाफ जो करेक्टर है वो है पी का, और हाफ करेक्टर किसका है, एस का। ओके, इसी तरीके से आप देखेंगे यहां पर जो जो कॉस थीटा की वैल्यू आ गई वो माइनस वन आ गई। ओके, अब आप देखिए एसपी टू, अगर मैं एसपी टू हाइब्रिडाइजेशन की बात करूं और यहां पर मैं एग्जांपल की बात करूं कि मैं बी सी एल थ्री की बात कर रही हूं, तो यहां पर जो सिंपल अगर मैं फॉर्मूला से कैलकुलेट करूं तो एस का करेक्टर कितना आएगा, 1 अपॉन 3, मतलब 33%, और पी का करेक्टर कितना आएगा, 2 अपॉन 3, यानी 66%। बॉन्ड एंगल कितना होगा, 120। अगर बॉन्ड एंगल 120 होगा तो कॉस थीटा की वैल्यू 120 है, तो ये कितना आ जाएगा, जो रिलेशन जो जो ये दिस इज द, या इसकी हेल्प से हम एक्चुअली क्या निकाल सकते हैं, ए की वैल्यू निकाल सकते हैं। यहां पर ए की वैल्यू कितनी है, देखिए 2, ए की वैल्यू कितनी आ रही है, 2। यहां तीसरे एग्जाम्पल को अगर आप देखेंगे sp3 हाइब्रिडाइजेशन, जहां पर मैं कहूं अगर ये ch4 मॉलिक्यूल है तो यहां पर 1 अपॉन 4th s करेक्टर होगा और 3 अपॉन 4th यानी 75% p करेक्टर होगा, बॉन्ड एंगल 109 होगा, और जो हाइब्रिडाइजेशन इंडेक्स है वो देखिए यही sp3 हाइब्रिडाइजेशन, मतलब जितना p करेक्टर उसमें होगा, यानी p कितना है, पी है 3, पी 3 है और एस कितना है, 1, तो जो इंडेक्स है वो कितनी आ जाएगी, जितना कि इसके ऊपर क्या होगा, जो लिखा हुआ होगा पी का जितना पार्ट है वही क्या होगी, हाइब्रिडाइजेशन इंडेक्स होगी। ओके, और अब आप देखिए, तो यहां पर देखिए ए की वैल्यू कितनी आई थी, 3, तो ए की वैल्यू 3 आई थी, इसलिए कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, -1/3। तो ये हम किसकी बात कर रहे हैं बच्चों, ये हम बात कर रहे हैं ऐसे मॉलिक्यूल्स की जिनमें सब्स्टिट्यूएंट एक से है, सिमिलर सब्स्टिट्यूएंट है, इसको हम सिमेट्रिक टाइप के मॉलिक्यूल कह रहे हैं क्योंकि ये विद रेस्पेक्ट टू सब्स्टिट्यूएंट ये एक से है, तो यहां पर हम बहुत आसानी से एस और पी का कैरेक्टरिस्टिक बता सकते हैं। तो अगर मैं बात करूं बच्चों CH4 की, देखिए मैं CH4 की अगर बात करूं तो यहां पर क्या होगा, ये C जो है वो कार्बन जो है वो क्या होगा, sp3 हाइब्रिडाइज्ड। ओके, sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा, तो ये जो ऑर्बिटल है इसका ये भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा, जो कि एच के 1s के साथ ओवरलैप करेगा। ये वाला जो जो बॉन्ड बनेगा वो भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल के थ्रू बनेगा, ये बॉन्ड भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल के थ्रू बनेगा, और ये वाला बॉन्ड भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल के थ्रू बनेगा। तो 4 sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनेंगे और बॉन्डिंग जो है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल जो एच है उसके 1s के साथ कंपाउंड जो बॉन्ड है उसका फॉर्मेशन करेगा। इसी तरीके से अगर हम BCl3 को देखें तो BCl3 के केस में भी आप देखेंगे कि
इस वी के जो तीन sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हैं वो क्या करेंगे, इस sel के 2p के साथ, इस cl के 2p के साथ और इस cl के 2p के साथ क्या बनाएंगे, सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। मतलब आपको क्या ध्यान रखना है, आपको ये ध्यान रखना है कि जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, इट इज टेकिंग पार्ट इन बॉन्डिंग, ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है। नाउ कम टू दी एसिमेट्रिक टाइप मॉलिक्यूल। एसिमेट्रिक टाइप ऑफ मॉलिक्यूल मीन्स मॉलिक्यूल्स का एसिमेट्रिक होना विद रेस्पेक्ट टू सब्सटीट्यूएंट्स। ओके, सो द परसेंट ऑफ एस एंड पी कैरेक्टर इन हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स, बॉन्ड एंगल्स एंड बॉन्ड लेंथ्स ऑफ द मॉलिक्यूल विल बी चेंज्ड। इस केस में ये चेंज हो जाते हैं, बॉन्ड एंगल, बॉन्ड लेंथ। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बात करूं NH3 की, NH3 में आप जानते हैं कि N के ऊपर हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp3। लेकिन आप देख रहे हैं कि एक सब्स्टिट्यूएंट क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और बाकी सब्स्टिट्यूएंट क्या है, हाइड्रोजन। तो आप देखिए इसमें दो तरीके के सब्स्टिट्यूएंट हैं, एक सब्स्टिट्यूएंट लोन पेयर है और बाकी सब्स्टिट्यूएंट हाइड्रोजन एटम। इसी तरीके से अगर मैं H2O मॉलिक्यूल की बात करूं तो यहां पर आप देखेंगे दो सब्स्टिट्यूएंट क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ओके, और ये दो सब्स्टिट्यूएंट क्या है, हाइड्रोजन एटम्स। तो इसको हम यहां पर क्या कह रहे हैं, एसिमेट्रिक टाइप मॉलिक्यूल, जहां पर डिफरेंट टाइप के सब्स्टिट्यूएंट एटम्स हैं। इसलिए यहां पर जो हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है इसमें एस और पी का करेक्टर पता लगाना थोड़ा कठिन है, इसको डिफरेंट तरीके से हम पता लगाते हैं, और बॉन्ड एंगल और बॉन्ड लेंथ भी क्या होंगे, यहां पर बदल जाएंगे। देयरफॉर हाइब्रिडाइजेशन इन द एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड एज सेकेंड ऑर्डर और आइसोवेलेंट हाइब्रिडाइजेशन। इसलिए जो एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल में जो हाइब्रिडाइजेशन होता है उसे हम सेकेंड ऑर्डर हाइब्रिडाइजेशन या आइसोवेलेंट हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि अगर नाइट्रोजन का कोई हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल जिसमें क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो sp3 नहीं होगा, वो एग्जैक्टली उसका कंपोजिशन sp3 नहीं होगा, उसमें s करेक्टर 25% करेक्टर हो ये जरूरी नहीं है, और वो ऑर्बिटल जो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहा है उसमें s का करेक्टर कुछ और होगा, और जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जिसमें है उसमें s का करेक्टर कुछ और होगा। ओवरऑल जो हाइब्रिडाइजेशन है नाइट्रोजन के ऊपर वो तो sp3 ही रहेगा, लेकिन जो ऑर्बिटल जिसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा उसमें s का करेक्टर कुछ और होगा, जिसमें हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग होगी उसमें s का करेक्टर कुछ और होगा। ऐसे ही आप यहां पर अभी देखेंगे कि ऑक्सीजन के केस में, यहां पर ऑक्सीजन जिसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे वो हाइब्रिड ऑर्बिटल का कंपोजिशन कुछ और होगा, और जो बॉन्ड बनाएगा हाइड्रोजन के साथ उसका कंपोजिशन कुछ और होगा, उसमें एस करेक्टर कुछ और होगा और बी करेक्टर कुछ और होगा। तो इसी को हम कहते हैं सेकेंड ऑर्डर हाइब्रिडाइजेशन और आइसोवेलेंट हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन किसमें बात कर रहे हैं, एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल में। Now first we consider the example of ammonia. अब हम सबसे पहले अमोनिया का एग्जाम्पल कंसीडर करते हैं, ओके? तो अगर मैं अमोनिया मॉलिक्यूल की बात करूं तो आप जानते हैं कि इट इज पिरामिडल इन शेप अकॉर्डिंग टू द वेस्पर थ्योरी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसमें क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसकी वजह से इसकी ज्योमेट्री कैसी है, पिरामिडल। तो एक सब्स्टिट्यूएंट तो लोन पेयर है, आप देख सकते हैं। अगर ये टेट्राहेड्रल, क्योंकि नाइट्रोजन के ऊपर क्या हाइब्रिडाइजेशन है, sp3, तो अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो ये जो जहां एटम्स तीन है हाइड्रोजन, ये जो नाइट्रोजन के जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है दे शुड बी sp3 हाइब्रिडाइज, और जिसमें लोन पेयर है उसको भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए। जो हम अभी तक बोलते आ रहे थे कि हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है कि जो चार sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स होते हैं उसमें से एक हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में लोन पेयर होता है और तीन हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हाइड्रोजन के 1s के साथ बॉन्डिंग करते हैं, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है क्योंकि इसमें डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट है। अगर ये लोन पेयर भी एच होता तब हम कह सकते थे कि ये चारों सब्स्टिट्यूएंट एक से हैं, लेकिन यहां पर एक से नहीं है। इसलिए आप ये देखेंगे कि इस लोन पेयर जिस हाइब्रिड ऑर्बिटल में होता है उसमें कुछ और एस करेक्टर होता है, और जो बॉन्ड बनाता है उसमें कुछ और परसेंटेज एस करेक्टर होता है, ओके? अब देखिए हमने इसमें देखा था कि जो बॉन्ड एंगल है वो कितना था, 107 का, ओके? सो अगर हम अब हम जानते हैं कि जो एस करेक्टर है, फ्रैक्शन ऑफ एस करेक्टर वो क्या था, 1/1 + 1, तो ये क्या था,
फ्रैक्शन ऑफ एस करेक्टर। ओके, इससे पहले हमें पता है कि बॉन्ड एंगल कितना है, बॉन्ड एंगल यानी कॉस थीटा। ओके, हम जानते हैं कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस वन अपॉन ए। ए क्या है, हाइब्रिडाइजेशन फैक्टर है, यहाँ पर इंडेक्स है, लेकिन देखिए sp3 ना आके कुछ और आएगा। अब देखिए कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है, कॉस 107। ओके, कॉस 107 इज इक्वल टू क्या आया, माइनस वन अपॉन ए। ओके, तो कॉस 107 की वैल्यू कितनी होती है, माइनस 0.29। ओके, माइनस 0.29 इज इक्वल टू 1/-a। सो a क्या निकल आएगा, a विल बी इक्वल टू 3.4। a कितना आ जाएगा बच्चों, 3.4 आ जाएगा। अब आप देखिए हाइब्रिडाइजेशन तो sp3 है, sp3 के हिसाब से जो a था इट शुड बी 3, बट आप देख रहे हैं कि a कितना आया, 3.4। ये क्या है, दिस इज द फ्रैक्शन ऑफ, ये 3.4 क्या है, ये फ्रैक्शन और ये क्या है, ए है। यानी ये जो sp3 ना होके इसको हम क्या कहेंगे, sp3.4। ओके, अब ये क्या है, ये जो बॉन्ड एंगल है ये किनके बीच में है बच्चों, जो बॉन्ड बन रहे हैं उनके बीच में। यानी ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है, यहां पर जो ऑर्बिटल जो बॉन्डिंग बनाने वाले हैं वो कैसे हाइब्रिडाइज्ड होंगे, sp3.4। ओके, sp3.4 हाइब्रिडाइजेशन इनका होगा। और अगर ये sp3.4 होगा, ओके, देखिए ए क्या है, हाइब्रिडाइजेशन इंडेक्स। ओके, अब हम जानते हैं कि परसेंट जो फ्रैक्शन है वो क्या है, 1/+3.4। देखिए बॉन्ड एंगल की हेल्प से हमने ए कैलकुलेट कर लिया, हमें ए पता चल गया, तो हम क्या निकाल सकते हैं, फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। तो ये फ्रैक्शन कितना आ गया, 1/4.4, जो कि कितना आ जाएगा बच्चों, 23% के आसपास। ओके, तो अब हम ये कह सकते हैं, ये जो बॉन्डिंग ऑर्बिटल है, कि हमें कॉस थीटा दिया हुआ है, हमें 107 डिग्री का एंगल पता है, और हमें ये पता है कि अगर ये एंगल 107 है तो ये जो बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स हैं उस ऑर्बिटल उस हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल के लिए हम हाइब्रिडाइजेशन इंडेक्स कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि 3.4 आई। तो ये क्या हो गया, sp3.4। ओके, sp3.4 हो गया, तो हमें पता है कि हमें a पता चल गया है, तो हम क्या निकाल सकते हैं, फ्रैक्शन ऑफ s करेक्टर। फ्रैक्शन ऑफ s करेक्टर कितना निकल आएगा, 0.23, और अगर हम इसे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 23% s करेक्टर। यानी अगर मैं इस अमोनिया मॉलिक्यूल की बात करूं, तो यहां पर जो हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेगा वहां पर 23% s करेक्टर होगा, बाकी कितना बचा हुआ है, 77% क्या होगा, p करेक्टर होगा। ऐसा इन तीनों में होगा, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, यानी वो ऑर्बिटल एग्जैक्टली sp3 नहीं है, बल्कि वो ऑर्बिटल क्या है, sp3.4 ऑर्बिटल है, जिसमें कि क्या होगा, कैसा हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है वो, sp3.4, जहां पर आप देख सकते हैं sp3 के अकॉर्डिंग तो ये 25% होना चाहिए था, लेकिन ये कितना है, 23%। तो s करेक्टर नाइट्रोजन के हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, जो कि हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहे हैं, वहां पर 23% s करेक्टर है और 77% p करेक्टर है। ओके, तो इसका मतलब 23% इस बॉन्ड में है, 23% इस बॉन्ड में है, 23% इस बॉन्ड में होगा। तो तीन बॉन्ड में ये करेक्टर कितना है, 23%। ओके, तो टोटल कितना हो गया बच्चों, 69% एस करेक्टर। यानी इन तीनों पॉइंटों में कितना हो गया, 69% एस करेक्टर। तो बाकी कितना बचा, 31%। तो 31% एस करेक्टर उस ऑर्बिटल में होगा, उस हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में होगा जिसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेगा। ओके, तो देखिए टोटल जो एस हो गया वो कितना हो गया, 100%। ओके, और अगर मैं पी करेक्टर देखूं तो 77 इसमें। तो टोटल जो करेक्टर है वो कितना हो गया, पी करेक्टर देखिए 1 एंड इतना करेक्टर जो है, अगर हम देखेंगे पी करेक्टर किसमें हो गया, इन तीनों में। ओके, तो बचा हुआ कितना करेक्टर है बच्चों, बचा हुआ जो करेक्टर है 69% पी करेक्टर, वो किसमें होगा, इस पर्टिकुलर हाइब्रिड ऑर्बिटल में होगा। तो मैं ये कह सकती हूं, अब देखिए टोटल जो पी है, देखिए टोटल पी 300 हो गया और टोटल एस कितना हो गया, 100। मतलब
sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ये 100 है और ये कितना है 300। तो बात तो वही है, नाइट्रोजन के ऊपर जो हाइब्रिडाइजेशन है वो है तो sp3, लेकिन वो चारों हाइब्रिड ऑर्बिटल sp3 नहीं है। उसमें से ये तीन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स क्या है, sp3.4। इसी तरीके से बच्चों हम इस ऑर्बिटल की भी ए निकाल सकते हैं, इस हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल का ए हम कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि हमें ये पता चल चुका है कि ये 31% इसमें एस करेक्टर है और 69% पी करेक्टर है। तो इसका मतलब है कि ये जो ऑर्बिटल है ये डिफरेंट टाइप का हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है, जिसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और जो बॉन्ड बना रहे हैं वो डिफरेंट टाइप की हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है। तो आपने क्या देखा, देखिए ए सिमिट्रिक में होता है ऐसा, अगर यही केस CH4 के केस में होता तो ये भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता, ये भी sp3, ये भी sp3 और ये भी sp3। तो जब सब sp3 हाइब्रिडाइज्ड होते तो फिर हमें इतनी कैलकुलेशन की जरूरत नहीं थी। ओके, तो इस तरीके से हम ये देख सकते हैं कि ये पर्टिकुलर जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है यहां पर कितना s करेक्टर है हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में, और जो बॉन्ड बना रहा है वहां पर कितना एस करेक्टर है ऑर्बिटल में। ओके, तो अगर हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो देखिए एस करेक्टर जहां अधिक है वहां लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और जहां पी करेक्टर अधिक है वहां पर बॉन्डिंग बन रही है उन ऑर्बिटल्स के थ्रू। ओके, लेट्स नाउ टेक द एग्जांपल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। नाउ सी द केस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। अब आप वाटर मॉलिक्यूल का केस देखिए, ये देखिए, अब इस वाटर मॉलिक्यूल में क्या है बच्चों, दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। ओके, अब हमने ये कहा कि जो ऑक्सीजन है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। ओके, अब ये जो मैंने आपको इससे पहले बताया ये कहलाता है सेकंड ऑर्डर हाइब्रिडाइजेशन। जो मेन हाइब्रिडाइजेशन है वो नाइट्रोजन पर sp3 ही रहेगा, लेकिन जो सेकंड ऑर्डर हाइब्रिडाइजेशन है वो इन बॉन्ड्स के लिए नाइट्रोजन का वो क्या है sp3.4, और आप जानते हैं कि पी जो है वो तीन ऑर्बिटल होते हैं, बट ये जो दिखा रहा है sp3.4 मतलब ये दिखा रहा है कि पी का फ्रैक्शन अधिक है और एस का यहां पर इन ऑर्बिटल्स में कम है एस कंपेयर टू द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हाइब्रिड ऑर्बिटल। जैसे जिस ऑर्बिटल में लोन पेयर है उनमें एस करेक्टर अधिक है इन कंपैरिजन टू द हाइब्रिड ऑर्बिटल्स दैट आर फॉर्मिंग बॉन्ड विद द एस ऑर्बिटल ऑफ एच। ठीक है, तो ये सेकंड ऑर्डर हाइब्रिडाइजेशन है, वो ये नहीं बता रहा है कि तीन पी ऑर्बिटल 3.4 पी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं और एक एस ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहा है, ये ऐसा नहीं बता रहा है। हाइब्रिडाइजेशन तो sp3 ही रहेगा, लेकिन सेकंड ऑर्डर हाइब्रिडाइजेशन का मतलब है कि ये देखिए नाइट्रोजन के पास तीन आइसोवेलेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं जो एक से है। ये वाला हाइब्रिडाइजेशन ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल भी sp3.4 है, ये वाला और ये वाला, ये तीनों एक से sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स हैं, जबकि ये वाला sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल डिफरेंट है जिसमें s का करेक्टर इसकी अपेक्षा अधिक है, लेकिन ओवरऑल हाइब्रिडाइजेशन इज sp3। सो दिस इज सेकेंडरी हाइब्रिडाइजेशन, दिस इज सेकंड ऑर्डर हाइब्रिडाइजेशन। ओके, नाउ वी टेक द एग्जांपल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। अब हम देखेंगे वाटर मॉलिक्यूल को, तो ऑक्सीजन के ऊपर हाइब्रिडाइजेशन क्या है sp3, लेकिन आप देख रहे हैं कि यहां पर एक तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है सब्स्टिट्यूएंट और एक है हाइड्रोजन, क्योंकि sp3 हाइब्रिडाइजेशन का मतलब है चार कोई ऑर्बिटल हैं जो कि पार्टिसिपेट कर रहे हैं बॉन्डिंग में। ओके, तो चार ऑर्बिटल में से दो में तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और दो क्या बना रहे हैं, बॉन्ड बना रहे हैं। ओके, नाउ लेट्स फर्स्ट कंसीडर द बॉन्ड एंगल बिटवीन दीज टू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, HOH बॉन्ड एंगल इज 104.5 डिग्री। ओके, वाटर मॉलिक्यूल में ये बॉन्ड एंगल 104.5 है, जबकि इसका जो आइडियल एंगल है दैट शुड बी 109। तो अगर 109 होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, अगर 109 था तो फिर कोई सेकेंड ऑर्डर हाइब्रिडाइजेशन की जरूरत नहीं थी, तब हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता, लेकिन क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन sp3 ही रहेगा, लेकिन ये जो बॉन्ड आ रहे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स उनका सेकंड ऑर्डर हाइब्रिडाइजेशन कुछ और होगा, और जहां पर लोन पेयर है उनका कुछ और होगा, क्योंकि बॉन्ड एंगल कितना है, बॉन्ड एंगल रिड्यूस हो गया है, और वो कितना हो गया है 104.5 डिग्री, क्या हो गया है बच्चों, हाइब्रिड जो बॉन्ड एंगल है वो कम हो गया है। ओके, और हम जानते हैं देखिए sp हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन एंड sp3 हाइब्रिडाइजेशन, इस बात को हमेशा याद रखिए कि sp हाइब्रिडाइजेशन है तो 180 का एंगल है, sp
sp2 है तो 120 है, sp3 है तो 109 है, आइडियल बॉन्ड एंगल ओके। और यहाँ पर परसेंट एस करेक्टर 50% है, यहाँ पर 33% है और यहाँ पर 25% है। अगर मैं एस करेक्टर को देखूँ तो एक बात बस ध्यान रखिए, जैसे जैसे एस करेक्टर बढ़ रहा है बॉन्ड एंगल भी बढ़ रहा है, तो वो सब जगह होता है। इसलिए आप ये देखेंगे कि हाइब्रिड ऑर्बिटल जो कि बॉन्ड बना रहे होंगे, देखिए बॉन्ड एंगल कम हो गया, पहले बॉन्ड एंगल कितना था 109 था ओके, अब बॉन्ड एंगल कितना हो गया 104। इसका मतलब है ये जो बॉन्ड्स हैं, जो बॉन्ड बना रहे हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल, वहां पर एस का करेक्टर कम होगा क्योंकि बॉन्ड एंगल क्या हो गया है, कम हो गया है। सिमिलर इज द केस ऑफ अमोनिया मॉलिक्यूल। देखिए बॉन्ड एंगल जो कि sp3 के अकॉर्डिंग 109 होना चाहिए था, ये 107 है। 107 का मतलब है कि बॉन्ड एंगल कम कब होगा, जब एस करेक्टर कम हो जाएगा। इसका मतलब है कि ये जो ऑर्बिटल जो बॉन्ड बना रहे हैं यहां पर एस ऑर्बिटल कम है, और जहां लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वहां एस ऑर्बिटल का करेक्टर अधिक है। और आप देख भी सकते हैं, देखिए यहां पर 23% एस करेक्टर है जो बॉन्ड बना रहे हैं, और जो नहीं बना रहे हैं उनमें 31 एस करेक्टर है। इसका मतलब है कि बॉन्ड एंगल ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगा क्योंकि हाइब्रिड ऑर्बिटल में जो एस करेक्टर है वो क्या हो गया है, कम हो गया है। नाउ हम सबसे पहले क्या कैलकुलेट करेंगे बच्चों, कॉस थीटा हमें पता है, तो हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं हाइब्रिडाइजेशन इंडेक्स। तो कॉस 104.5 डिग्री इज इक्वल टू क्या है, -1/a। और यहां से जब हम a कैलकुलेट करेंगे तो वो a कैलकुलेट कितनी होके आएगी, वो a कैलकुलेट होके आएगी 4 ओके। तो ये हम किसकी बात कर रहे हैं, क्योंकि कॉस थीटा कहां पर है, ये है देखिए, यानी जो बॉन्ड बना रहे हैं उनकी बात हम कर रहे हैं। तो वो हाइब्रिड ऑर्बिटल जो बॉन्ड बनाने में मदद कर रहे हैं वहां पर a कितना है, 4। जबकि हम क्या कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन को, sp a। तो इसका मतलब है कि जो बॉन्ड बना रहे हैं वहां पर जो एक्चुअली जो सेकंड ऑर्डर हाइब्रिडाइजेशन वो क्या है, sp4। अब sp4 का मतलब ये नहीं कि 4p ऑर्बिटल तो होते ही नहीं है। 4p ऑर्बिटल का मतलब, यहां पर 4 का मतलब है कि p की परसेंटेज ज्यादा है और s की परसेंटेज कम है, यानी p का फ्रैक्शन वो हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑक्सीजन के जो कि बॉन्ड बनाएंगे उनमें p का फ्रैक्शन अधिक होगा, s का फ्रैक्शन कम होगा। जबकि वो ऑर्बिटल जिनमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा उनमें p का करेक्टर कम होगा और s का करेक्टर अधिक होगा, जिससे कि ओवरऑल हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगा, sp3 आ जाएगा ओके। तो हमने क्या निकाल दिया बच्चों, देखिए a का वैल्यू हमें मिल चुका है। जब हमें a का वैल्यू मिल चुका है तो हम क्या निकाल सकते हैं, हम फ्रैक्शन ऑफ s निकाल सकते हैं। s का फ्रैक्शन कितना होगा इन ऑर्बिटल्स में, अगर हम sp4 की बात कर रहे हैं तो यहां पर 1/1+a ओके। तो ये कितना हो जाएगा, 1/1+4, इट इज इक्वल टू 20.20 मींस इट कैन बी 20%। ये क्या है 20%, मतलब जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बॉन्ड बना रहे हैं उनमें s का करेक्टर कितना होगा, 20%। जबकि बचा हुआ जो करेक्टरिस्टिक है हम यहां से डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, fp कितना होगा, a/1+a, तो ये क्या हो जाएगा, 4/4+1, यानी ये हो जाएगा 80%। यानी p का जो परसेंटेज है, देखिए इस फॉर्मूले से ही पता चलता है, यानी वो हाइब्रिड ऑर्बिटल जो कि बॉन्ड बना रहे हैं उनमें s की करेक्टरिस्टिक 20% है और जो p का करेक्टर है वो कितना है, 80% है। और इसका मतलब है देखिए 20% इस वाले बॉन्ड में बन रहा है s करेक्टर और 20% यहाँ है ओके। 20, 20, 40, बचे कितने, 60 में से 30% इस वाले में होंगे और 30% इस वाले में होंगे, क्या है ये, एस करेक्टर। तो एस करेक्टर जो ऑर्बिटल हाइब्रिड ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं, वो हाइब्रिड ऑर्बिटल sp3 सारे हाइब्रिड ऑर्बिटल नहीं है जो हम अभी तक कह रहे थे। हम ये कह रहे थे कि ये 4 ऑर्बिटल बनाएगा, चारों sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल होंगे, चारों की एनर्जी बराबर होगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जब हम इसोवेलेंट हाइब्रिडाइजेशन पढ़ते हैं तो हम ये देखेंगे कि जो बॉन्ड बनाते हैं अगर अलग अलग सब्स्टिट्यूएंट होंगे तो बिल्कुल डिफरेंट सिनेरियो होगा। जो बॉन्ड बनाएंगे जो हाइब्रिड ऑर्बिटल, वहां पर एस करेक्टर कुछ और होगा हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल का, और जहां लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा वहां पर एस करेक्टर
कुछ और होगा। और अधिकतर केसेस में आप ये देखेंगे कि जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जहां है वहां पर एस करेक्टर अधिक होगा। देखिए यहां पर 30% एस करेक्टर है जिनमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और जो बॉन्ड बना रहे हैं उनमें जो जो एस करेक्टर है वो कितना है 20%, जो कि हमने यहां से कैलकुलेट किया था। तो यहां पर 20% क्या है एस करेक्टर, तो अगर 20% एस करेक्टर है तो यहां पर 80% क्या होगा पी करेक्टर होगा। ओके, तो ये दोनों बॉन्ड्स में होगा, इस बॉन्ड में भी ये 80%, इसमें क्या होगा पी करेक्टर होगा। तो 80 80 160, ओके 160 तो यहां पर है करेक्टरिस्टिक। बचा कितना बच्चों, अगर हम 300 कहें तो कितना बचा, ये हो गया 140। ओके, तो इसका मतलब है 70% यहाँ पी करेक्टर है और 70% यहाँ पी करेक्टर है। ओके, तो आप देखिए रेशियो अगर आप देखेंगे 30 30 20 20, तो टोटल 100 एस करेक्टर आ गया और 70 70 80 80, तो 300 पी करेक्टर आ गया। यानी रेशियो आपको क्या मिल गया, 100 तो एस है और 300 क्या है पी, तो रेशियो आपको क्या मिल गया, आपको दिखेगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन तो इसमें sp3 ही है, लेकिन सेकंड ऑर्डर जब हम देखेंगे तो वो हाइब्रिड ऑर्बिटल जो कि बॉन्ड बना रहे हैं उनका जो सेकंड ऑर्डर हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या होगा sp4। मतलब यहां पर s का करेक्टर 20% होगा और p का करेक्टर कितना होगा 80% होगा। और ये क्यों हो गया बच्चों, देखिए जो P का करेक्टर है वो है यहाँ पर 80% और जो जहां पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वहां पर P का करेक्टर कितना है 70%। P करेक्टर बढ़ गया, P करेक्टर अगर बढ़ेगा तो आप जानते हैं, देखिए यहां से यहां हम जाएंगे तो P करेक्टर बढ़ रहा है, या आप कह सकते हैं कि S करेक्टर कम हो रहा है। तो जैसे जैसे S करेक्टर कम होगा बॉन्ड एंगल विल डिक्रीज, तो बॉन्ड एंगल डिक्रीज होके 104 जो कि 109 होना चाहिए था, वहां से ये डिक्रीज होके कितना हो जाएगा 104 डिग्री इसका बॉन्ड एंगल हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से हम सेकंड ऑर्डर हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट कर सकते हैं बहुत इजीली, क्योंकि आपने देख लिया कि अगर डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट होंगे तो सिनेरियो कुछ और होगा। और जब हमारे समझ में ये आ जाएगा कि परसेंट एस करेक्टर और परसेंट पी करेक्टर कैसे डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट के केस में चेंज हो जाता है, वो कैसे चेंज होता है, वो चेंज होता है जैसे जैसे बॉन्ड एंगल चेंज होता है, तो डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट की वजह से परसेंटेज एस करेक्टर बॉन्डिंग ऑर्बिटल में अलग होता है और जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं उन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में कुछ और होता है। इसी को हम टेबुलर फॉर्म में इसको देखेंगे। ये देखिए बच्चों, मैंने आपको जिस्ट दिया हुआ है यहाँ पर कि ये अगर मैं कहूँ NH3 में नाइट्रोजन के ऊपर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। हालांकि अब क्या है इसमें कि एक इसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और तीन इसमें हाइड्रोजन एटम्स हैं, तो 3 isovalent हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे जिनका isovalent का सेकेंड ऑर्डर हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा sp3.4। क्यों होगा, क्योंकि बॉन्ड एंगल कितना होता है 107। अगर बॉन्ड एंगल 107 होता है तो ए की वैल्यू कितनी आ जाती है 3.4। अगर ए की वैल्यू 3.4 आ जाती है तो हम क्या निकाल सकते हैं फ्रैक्शन ऑफ एस आता है 0.23 जो कि 23% होता है, और फ्रैक्शन ऑफ पी क्या होता है 0.77 जो कि 77% होता है। तो इसका मतलब है कि जो sp3.4 जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है जो क्या बनाने में हेल्पफुल है, बॉन्डिंग हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग बनाने में हेल्पफुल है, वो उसमें 23% एस करेक्टर होता है और 77% पी करेक्टर होता है। और अगर मैं बात करूं H2O की, तो H2O के केस में दो लोन पेयर है और दो बॉन्ड है, तो जो बॉन्ड है वहां पर जो सेकंड ऑर्डर हाइब्रिडाइजेशन है वो sp4 है। वो कैसे निकला, क्योंकि हमारे पास बॉन्ड एंगल था जो कि 104.5 का था, उसके अकॉर्डिंग हम A की वैल्यू निकाल लेंगे जो कि 4 आती है, और उस A की वैल्यू से वी कैन कैलकुलेट दी परसेंट एस करेक्टर दैट इज 20% एंड परसेंट पी करेक्टर That is 80%। तो ऐसे दो isovalent hybrid orbitals होंगे जिनका second order hybridization sp4 होगा, जो कि क्या बना रहे होंगे, हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहे होंगे। ओके, तो इस तरीके से आपने देख लिया कि मेन हाइब्रिडाइजेशन तो sp3 है, बट सेकेंड ऑर्डर हाइब्रिडाइजेशन मीन्स जो बॉन्ड बना रहे हैं, जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बॉन्ड बना रहे हैं उनमें एस करेक्टर और पी करेक्टर डिफरेंट होगा, किनसे, जिनमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इसको हम कहते हैं आइसोवेलेंट हाइब्रिडाइजेशन या सेकेंड ऑर्डर हाइब्रिडाइजेशन, जिसको हमने बहुत बारीकी से यहां पर पढ़ा, जो हमने हाइब्रिडाइजेशन में नहीं पढ़ा था। तो अगर आप ये समझ जाएंगे देन यू कैन इजिली
understand about the bent rule. Okay, so this is all about the hybridization, isovalent hybridization, and in the next lecture we will discuss about the Drago rule. वो भी बड़ा interesting topic है जिसमें आप देखेंगे किस तरीके से no hybridization का concept आप कुछ molecules में देखेंगे. Okay, so thank you very much.